हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्वे वर्क परमिट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं और आप लोगों को नॉर्वे वर्क परमिट के बारे में बताऊं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग पुराने हैं वो अपना सपोर्ट आगे भी बनाए रखना। ठीक है, तो नॉर्वे के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका, ये रहेगा 12 मंथ्स का, और आगे भी ये एक्सटेंड होगा, यानी कि 1 साल का वर्क परमिट रहेगा, आगे भी ये एक्सटेंड हो सकता है। उसके अलावा इसमें जो आपके वर्किंग आवर्स होंगे, 154 वर्किंग आवर्स पर मंथ ये रहने वाले हैं। उसके अलावा जो आपकी ड्यूटीज रहेंगी वो है वेयर हाउस वर्कर के लिए, यानी कि पोस्ट जो अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, वेयर हाउस वर्कर और एम्प्लॉयज ऑफ द सुपर मार्केट ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ द कॉपरेटिव। ठीक है, तो दो तरह की पोस्ट है यहाँ पर, वेयर हाउस वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयज ऑफ द सुपर मार्केट ट्रेडिंग फ्लोर। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सैलरी जो यहाँ पर मिलेगी वो नॉर्वे की जो सैलरी, नॉर्वे की करेंसी है उसके हिसाब से मिलेगी आपको, और उसके हिसाब से 143.50, ठीक है, पर आर ये आपको नॉर्वे नॉर्वे की करेंसी के हिसाब से मिलेंगे, जो कि नॉर्वे की करेंसी अगर देखें इंडियन रुपीज़ में लगभग 7 या 7.69 के बराबर है ये, अभी आज जो मैंने देखा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये आपकी पर मंथ पर आर की जो सैलरी हो रही है 1100 इंडियन रुपीज़ हो रही है पर आर की। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इनकी तरफ से। ठीक है, और जो भी यूटिलिटीज़ होंगे या इनकी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इंश्योरेंस ये आपको खुद दे रहे हैं, जो भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है या जो भी इंश्योरेंस होता है वो आपको इनकी तरफ से मिलेगा। ओवर टाइम ये भी आपको इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा एज पर जो इनका लेबर लॉ है उसके हिसाब से। और एडिशनल जो मतलब ओवर टाइम जो होगा ये एडिशनल होता है लगभग 2 से 4 घंटे पर डे के हिसाब से, और 60 आवर्स पर मंथ के हिसाब से आपको ये ओवर टाइम मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एयर टिकट आपको दिया जा रहा है, और द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट इज रिफंडेड आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आप फ्लाइट की कॉस्ट जो होगी वो आपको 2 महीने के बाद आपको रिफंड की जाएगी। ठीक है, टाइप ए वर्क परमिट है, और जो भी बाकी की कंडीशंस रहेंगी वो एज पर यहाँ के लेबर लॉ के हिसाब से रहेंगी। ठीक है, तो ये रही। और हाँ, आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 8219444573। ठीक है, इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करना है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपका पासपोर्ट ईसीआर होना चाहिए या ईसीएनआर होना चाहिए, तो आपके पास कोई भी पासपोर्ट है आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा भी कोई एजुकेशन मेंशन नहीं की गई है, तो एनी एजुकेशन आप मेंशन कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। आपका पासपोर्ट स्कैन बोथ फ्रंट एंड बैक साइड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपकी वैक्सीन के डबल डोज की सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको एक पीडीएफ में करके भेजनी होती हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 82194-44573, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 82194-44573, 8219444573। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। पंचकुला की एजेंसी है एएस बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, इनके थ्रू आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।